ज्ञानवापी, कुतुब मीनार, मथुरा, शाही ईदगाह का मामला कोर्ट में है, लेकिन भड़काऊ गैंग इस वक्त नफरत की आग लगाने के लिए मैदान में मोर्चा संभाले बैठे हुए हैं। डटकर भड़काऊ भाईजान के बाद अब पीएफआई ने ज्ञानवापी को लेकर के मुसलमानों को भड़काया है। योगी सरकार को धमकी भी दी है, भड़काऊ बयान दिया जा रहा है कि हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। रिपोर्ट देखिए। ये हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। ज्ञानवापी पर पीएफआई की धमकी, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ज्ञानवापी पर पीएफआई की दंगा साजिश। ये हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। सुना आपने, हिंदुओं और कानून व्यवस्था को सीधे सीधे धमकी देने वाला ये है कट्टरपंथी संगठन पीएफआई का नेता मतीन शेखानी, और ये बयान एक महीना पुराना है। ज्ञानवापी में सर्वे में कथित शिवलिंग मिलने के बाद भड़काऊ भाईजान पहले से ही नफरती जहर घोल रहे थे, मुस्लिमों को हिंदुओं के खिलाफ भड़का रहे थे, लेकिन अब इसमें कट्टरपंथी संगठन पीएफआई की भी एंट्री हो गई है। भड़काऊ भाईजान और पीएफआई दोनों एक ही काम कर रहे हैं, बस भड़काऊ भाईजान ने राजनीतिक चोला ओढ़ रखा है, लेकिन काम वो पीएफआई का ही कर रहे हैं। समाज में नफरत फैलाना, दंगे की आग में झोंकने की साजिश करना। कि हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, आप दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। तुमने मक्कारी और अय्यारी से इंसाफ का कतल करके तुमने हमारी मस्जिद को हमसे छीना, आप दूसरी मस्जिद नहीं छीन पाओगे। याद रखना, मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ। हम अमन चाहते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक नारा है कि हर मजलूम हमारा है, साथ ही साथ दूसरा भी हमारा एक नारा है कि हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। पीएफआई नेता अदालत को ज्ञान दे रहे हैं, समाज में नफरत फैलाने वाले कोर्ट को कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं। ज्ञानवापी और मथुरा शाही ईदगाह मामले में पीएफआई ने प्रेस रिलीज कर कोर्ट पर इस सवाल उठा दिया है। पीएफआई ने योगी और मोदी सरकार को खुली चुनौती दे दी है। ज्ञानवापी को लेकर पीएफआई ने पूरे देश में मुस्लिमों को इसका विरोध करने के लिए उकसाना शुरू कर दिया है। प्रेस रिलीज में लिखा है कि अदालतों को मस्जिद में मंदिर के सबूत वाले केस मंजूर नहीं करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाना पर प्रतिबंध जारी रखना निराशाजनक है। अंग्रेज से लेकर इतिहासकार तक चीख चीख कर कह रहे हैं कि मुगल शासक औरंगजेब ने पहले हिंदू संस्कृति को खत्म करने की कोशिश की, मंदिरों को तोड़ा, उसके ऊपर मस्जिद बना दिया और बाद में उसे 1991 वर्शिप एक्ट का चोला पहना दिया गया। इसीलिए आपने खामोशी बनाई रखी है। वो बताए ना, बीजेपी बताए कि क्या वो 1991 प्लेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट को मानती है नहीं मानती है। पीएफआई हो या फिर भड़काऊ भाईजान, ये बात किसी से छिपी नहीं है। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि के 13 एकड़ से ज्यादा जमीन पर मुसलमानों का कब्जा है। वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर उस जमीन पर कब्जा कर औरंगजेब ने ज्ञानवापी मस्जिद को खड़ा कर दिया था, जिसके सबूत सर्वे में मिले हैं। लेकिन पीएफआई जैसे कट्टरपंथी संगठन इस विवाद में घी डालकर दो समुदायों के बीच आग भड़काने की कोशिश में है और दंगा कराने की साजिश में जुट गया है। पीएफआई की साजिश को देखते हुए विश्व वैदिक सनातन संस्था ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर पीएफआई पर बैन लगाने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।